जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में। जैसा कि आप सभी अभी जान रहे हैं कि अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और आज जाकर आपकी छठी दिन हो रही है और दसवीं के दिन लंका दहन होती है। तो यहां पर आकर आपको रावण कैसे निर्माण हो रहा है इसके बारे में चल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ के अध्यक्ष जी से थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद आपको विजुअल्स के माध्यम से यहाँ पर दिखाएंगे। सर अपना नाम बताइएगा। अरुण कुमार। सर आप यहाँ पर अध्यक्ष हैं। जी फिलहाल मैं इस साल श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया हूँ। आप यहाँ पे पिछले कितने सालों से मतलब ये निर्माण का मतलब कारोबार देख रहे हैं? ये कारोबार नहीं है, ये इस संस्था में मैं 40 साल पहले एक सचिव के माध्यम से आया था और पिछले 40 सालों से मैं दशहरा कमेटी ट्रस्ट के माध्यम से रावण दहन और रामलीला का आयोजन कराता आया हूँ। तो सर जैसे कि पिछला बार सभी ने देखा था कि थोड़ी बारिश के कारण रावण भींग गए थे, तो इस बार क्या नया किया जा रहा है इसके प्रति आप थोड़ा बताएंगे? देखिए रावण भींग गए थे तो उससे कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दरअसल रावण का पुतला गिर गया था जी, लेकिन चूंकि हमारा क्रेन वगैरह सब था 5 मिनट के अंदर उठा दिया गया था। इस बार हमने उसकी व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन से आदेश ले लिया था और गांधी मैदान में जहां पुतला खड़ा होता है उसके चारों तरफ एक 8 फीट नीचे पाइलिंग करा करके नट बोल्ट से और उसको इस तरीके बना दिया है कि रावण का जो पुतला खड़ा हो उन रस्सों से टिका रहेगा, तो पुतला गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो मतलब इस बार साइड से चारों तरफ से उसको सपोर्ट दी जाएगी कि मतलब वैसा जैसे पिछले बार हुआ था वैसा इस बार ना हो? ऐसा कभी नहीं होगा, अब इस तरीके का बनाया गया है। तो सर इस बार जैसे कि बहुत सारे मतलब भीड़ की तादाद यहाँ आती है, तो उस हिसाब से मतलब सुरक्षा के लिए आपने कुछ मतलब? देखिए सुरक्षा तो जिला प्रशासन और पटना के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस पदाधिकारी और पूरा महकमा पिछले 1 महीने से इस संदर्भ में उनकी मीटिंग सेटिंग हो रही है और गांधी मैदान के अंदर भी पहुंच करके उन्होंने पूरा गांधी मैदान का सर्वेक्षण किया कि कहां कहां त्रुटि है, उसको क्या क्या दुरुस्त किया जाए। ये सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर ली गई है, जिला प्रशासन तत्पर है इसके लिए। तो सर जैसे कि इस बार बहुत जगह से मतलब खबरें आ रही हैं कि इस बार जो रावण का निर्माण हो रहा है वो वाटर प्रूफ के तरीके से हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वाटर प्रूफ नहीं कहिए, वो पेंट इस तरीके का आता है जो पानी का असर उस पर नहीं होता है। तो बरसात चूँकि इस बार तो मौसम इतना लेट है कि बरसात का कोई ऐसे चांस नहीं है। तो चलिए अभी चल के आपको दिखाते हैं यहाँ पे रावण का जो निर्माण हो रहा है। रावण हो गए, मेघदूत हो गए और कुंभकर्ण हो गए। चलिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे रावण, मेघदूत और कुंभकर्ण का सर रखा हुआ है। अभी इस पर काम चल रही है, बस लगभग सभी काम पूरी हो चुकी है, बस कुछ ही थोड़ी सी फाइनल टच देने के लिए बची हुई है। और हमारे बाएं साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी रावण का ऊपरी भाग रखा हुआ है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पे रावण का निचले भाग रखी हुई है। तो और भी ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। एक न्यूज़ 24 से मैं वेद सिंह अपने सहयोगी विष्णु के साथ पटना।